श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति भजन प्रोडक्शन में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई प्यारी कहानी लेके आया हूँ। आज की कहानी है एक बौद्ध भिक्खु की। महात्मा बुद्ध का एक अनुयायी था, बौद्ध भिक्खु, जापान में रहता था। इतना भगवान बुद्ध के प्रवचनों से प्रभावित हुआ कि उसने सोचा कि जो उन्होंने जो कुछ भी पाली भाषा में बोला है, क्यों ना मैं उन सभी वाक्यों को, उन सभी बातों को जापानी भाषा में अनुवाद करूं, उनका ट्रांसलेशन करूं। उस बौद्ध भिक्खु ने, जापानी बौद्ध भिक्खु ने जो जो बातें भगवान बुद्ध ने कही, बड़े ही प्रेम से, बड़े ही मेहनत करके उसका अनुवाद किया, पूरा उसे जापानी भाषा में लिखा। लिखने के बाद अब दिक्कत आई कि उसका प्रकाशन कैसे किया जाए। प्रकाशन के लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी। तब देखिए उसने क्या किया, उसने जितने बौद्ध भिक्खु थे उन सभी को कहा कि भैया आप सभी थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करो, फिर हम भगवान बुद्ध के वचनों को प्रकाशित करेंगे। सबने कहा ठीक है महात्मन। उनकी बात मान के सभी ने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया। जितना पैसा चाहिए था उसे इकट्ठा करने में पूरे 5 साल लगे। 5 साल के बाद जब पैसा इकट्ठा हुआ, वो पैसा दिया गया और प्रकाशन की बात चली, तभी देखिए क्या हुआ। तभी जापान के एक क्षेत्र में अकाल पड़ा। अकाल इतना था कि लोग भूख से, प्यास से व्याकुल हो रहे थे, मर रहे थे। तब उस बौद्ध भिक्खु ने क्या किया, जितना 5 साल में पैसा इकट्ठा हुआ था वो सारा पैसा उन लोगों को दान में दे दिया जिसको ज़रूरत थी। चलो कोई बात नहीं, दोबारा पैसा इकट्ठा कर लेंगे। तो अकाल जो पड़ा था सब ठीक हुआ, कुछ समय बीता, तो दोबारा से उस संत ने कहा अपने बौद्ध भिक्खुओं को कि अब आप दोबारा से पैसा इकट्ठा करो, वो पैसा तो हमारा जो अकाल पड़ा उसमें लग गया है। सभी ने उस बौद्ध भिक्खु की बात मान के दोबारा से पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब देखिए दोबारा से इकट्ठा करने में पैसा, यकीन मानना, 10 साल लग गए। 10 साल के अंदर जाके वो पैसा इकट्ठा हुआ। अब जैसे ही प्रकाशन की बात फिर से चली, तो भगवान की ऐसी करनी कि जहाँ पर जब अकाल पड़ा था जापान में किसी क्षेत्र में, अब की बार बहुत भयंकर बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, बाढ़ आ गई, लोग बाढ़ से डूबने लगे, मरने लगे। अब उन संत के सामने फिर से समस्या आई कि 10 साल पैसा इकट्ठा किया है, क्या मैं प्रकाशन के लिए रखूं या लोगों के लिए दान में लगा दूं, भले में लगा दूं। तब देखिए उन संत ने एक क्षण नहीं लगाया और वो सारा पैसा बाढ़ पीड़ितों के लिए लगा दिया, सारा पैसा लगा दिया। अब 2 बार हो गई, हद हो गई, कमाल हो गया। जो भी पैसा इकट्ठा करते हैं वो लग जाता है धर्म के काम में, लेकिन वो पुस्तक फिर से प्रकाशित न हो सकी। सारा पैसा तो लगा दिया। अब तो जो उनके अनुयायी थे उन्हें छोड़ छोड़ कर जाने लगे कि अरे हमारे संत कैसे हैं, हम तो पैसा इकट्ठा करते हैं और ये सेवा में लगा देते हैं। तब उन्होंने अपनी ओर से दान एकत्र करना शुरू किया। कुछ समय बीता, कुछ समय के बाद उन्होंने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि पुस्तक का प्रकाशन हो सके। पुस्तक का प्रकाशन भी हुआ बंधुओं, लेकिन पुस्तक के प्रकाशन में उन्होंने लिखा तृतीय संस्करण, तीसरा संस्करण। लोगों ने पूछा अरे भाई पहला और दूसरा संस्करण कहाँ है। तब जो उन्होंने जवाब दिया वो कहते हैं पहला और दूसरा संस्करण उन्हें ही दिखाई देगा जिसकी सेवा और प्रेम की आंखें होंगी। इस तरह से वो तीसरा संस्करण जो था वो प्रकाशित हुआ और वो इतना चला कि पूरे जापान में कहते हैं कि भगवान बुद्ध के वचन फैल गए। तो ये कहानी मुझे कल्याण पुस्तक में पढ़ने को मिली, मैं आपके लिए लेके आया।
आगे भी कुछ कथा कहानियाँ किस्से प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जय जय श्री राधे।